हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सॉरी फ्रेंड्स, कपल ऑफ मंथ से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज का टॉपिक है, मैं इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पर उसने क्या कर लिया, क्योंकि मुझे भी कमेंट्स में पूछा जाएगा कि क्या हुआ स्नोफी को हाथ में। कुछ नहीं हुआ, जस्ट ए माइनर थिंग। इसके बारे में बताती हूँ। तो पहला मैं इस टॉपिक पर बात करेंगे हम कि पेट्स को घर पर रखना चाहिए या साथ लेकर जाना चाहिए। अगर हमारे कुछ लोगों के कंप्लेंट्स है कि हमारे पेट घर पर नहीं रहते हैं, थोड़ी देर के बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो कुछ कुछ पेट्स रह लेते हैं। जो पेट्स घर में रहने की आदत नहीं है, हर बात पे पीछे आने की आदत है, जैसे कि हमारा स्नोफी जैसा, तो मैं उन लोगों को मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगी कि किस तरह से आप अपने पेट को धीरे धीरे आदत लगा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा स्नोफी का भी यही प्रॉब्लम था। हम जहाँ भी जाते थे इसे साथ लेके जाते थे, और हमें कंप्लेंट आता था कि तुम्हारा स्नोफी को जब हम छोड़कर जाते थे और मोर देन 2 आवर्स 3 आवर्स, तो हमें बाजू के आंटी, आजू बाजू जेनी की मम्मी वगैरह कह रहे थे कि स्नोफी बहुत चिल्ला रहा था करके। और ऑब्वियसली वो लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम जैसे घर आते हैं तो जिस तरह से ये हैं 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 करके इसका आवाज़ पूरा बैठ गया होता है, जिस तरह से चिल्लाते हमें देखने के बाद। तो फिर हम लोग ने क्या किया, तो देखिए आप अपने पेट्स के ऊपर ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने क्या करने लगा, स्नोफी को जब भी हमें स्नोफी को नहीं लेके जाना चाहता, तो एक लैंग्वेज मैंने उसको एक आदत कर दी, जैसे हम अपने पेट से बात कर, जैसे अपने बच्चों को बोल कर जाते जाते वक्त, तो सेम ही उसी तरह मैंने स्नोफी को एक आदत लगा, एक लैंग्वेज, जैसा मैं बात करती हूँ रूटीन लैंग्वेज, जैसे कि स्नोफी मम्मी टाटा, डैडी टाटा, ब्रदर टाटा, सिस्टर टाटा, स्नोफी नो टाटा, नो टाटा। ये पहला उसको हम ऐसा नहीं बोलते थे। जब से मुझे पता चला कि घर पे नहीं रहता है, तब से मैंने ये चेंज किया उसके साथ बात करने का तरीका। खाली मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना होता तो मम्मी टाटा, डैडी टाटा, अगर उसके भाई के साथ जाना जाता तो मम्मी टाटा, समझ गया ना, ओके। उस तरह से मैं उसको स्नोफी नो टाटा, स्नोफी नो टाटा, तो क्या करती थी, उसको समझ में आने लगा कि, और नो टाटा बोलने के बाद ये चुपचाप बैठा रहता था। हम बाहर जाते थे, डोर सामने डालते थे, विंडो से भी बोलते थे कि मम्मी स्नोफी नो टाटा, मम्मी वच्चेस्तुंदी, अंटे मम्मी तुंदरगा जल्दी आ जाएगी, चिल्लाना नहीं, ओके चिल्लाना नहीं, ऐसा बोल के। तो हम लोग क्या करने लगे फ्रेंड्स, पहले हम हाफ एन आवर के लिए स्नोफी को छोड़कर जाते थे तो ठीक था, आजू बाजू से मालूम पड़ा कि नहीं इसने कुछ चिल्लाया नहीं, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, ऐसा करके मैक्सिमम फ्रेंड्स, मैक्सिमम 4 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, और वैसे भी उतना ज़्यादा इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए, 4 घंटा। और 4 घंटा कब लगती है, स्पेशली हम जब मॉल जाते हैं, ओके। और स्नोफी को हम वहीं पर ही नहीं लेके जाते जहाँ पर स्नोफी अलाउ है, जैसे कि मॉल हो गया, टेम्पल हो गया, टेम्पल भी हम लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्नोफी कार में रहते हैं, स्पेशली मॉल, और हॉस्पिटल जाना रहते हैं कुछ हेल्थ चेकअप के लिए, तो सेलर में गाड़ी हम पार्क करते हैं, वहाँ पर स्नोफी को नहीं लेके जा सकते, मॉल में भी नहीं लेके जा सकते, बस ये 2 जगह पर हम स्नोफी को नहीं लेके जाते हैं फ्रेंड्स। आप बाकी जगह पर आप अपने पेट को साथ लेके जा सकते हैं, अगर आपका पार्किंग ओपन एरिया में मिलता है। फ्रेंड के घर जाते हो, टेम्पल जाते हो, या कहीं आप ओपन एरिया में कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, तो ठीक है, लेके जा सकते हैं पेट्स को, ट्राई टू अवॉइड उनको घर पे रखने का। और जिस जगह पे आप नहीं लेके जा सकते, वहाँ पर आप मत लेके जाइए अपने पेट्स को, ओके। उस वक्त आप ऐसे ट्रेनिंग कीजिए उसको कि स्नोफी नो टाटा, वॉट एवर आपका पेट का नाम है, लेकर नो टाटा, नो टाटा, खाली मम्मी टाटा, डैडी टाटा, ऐसा बोलकर हाफ एन आवर, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, नॉट मोर देन 4 आवर्स। क्या होता है पता है, एक बार वो पहले दुख में रहते, डिप्रेशन में रहते कि मुझे छोड़कर चला गया, ऊपर से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो पूरा उसकी आवाज़ बैठ जाती है, पूरा उसको कंट्रोल में आने के लिए मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर लगते हैं, बेकार में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ओके फ्रेंड्स। सो यू गॉट माई पॉइंट, आपको आपका पेट को आदत लगाना है तो थोड़े थोड़े आवर्स में उसको छोड़ के जाने का आदत लगाइए, ओके फ्रेंड्स, बाय।